एग्जाम्पल नंबर वन पॉइंट इलेवन इलेक्ट्रिक फील्ड कॉम्पोनेंट्स इन फिगर वन पॉइंट टू सेवन ये हमारे पास फिगर आएगी वन पॉइंट टू सेवन आर ई एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड कम्पोनेंट इन एक्स डायरेक्शन इज गिवन बाय अल्फा इन टू एक्सरेस टू पावर हाफ सो जो मेरी एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग वेरी करेगा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कॉम्पोनेंट इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन जी डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो तो हमारे जो वाइट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है और जेड डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो हो गया जीरो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये क्वेश्चन में गिवन है इन विच अल्फा की वैल्यू अब हमें गिवन है 800 न्यूटन पर कूलम पर मीटर हाफ कैलकुलेट हम अभी फाइंड क्या करना है द फ्लक्स थ्रू द क्यूब तो हमारे पास क्वेश्चन में क्यूब गिवन है जिसकी लेंथ ए है ब्रेथ भी ए है और हाइट भी ए है क्योंकि क्यूब की सारी साइड सिमिलर होती हैं एंड बी पार्ट में हमें फाइंड करना है द चार्ज विद इन द क्यूब जो हमारे पास चार्ज है विद इन क्यूब के अंदर उसे फाइंड करना है साथ में एक एजम्पन दे दी एजम्प्शन इज़ डैट एज्यूम डैट ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट वन मीटर जो हमें ए की वैल्यू है वो हमें दे दी जीरो पॉइंट वन मीटर सो स्टार्ट करते हैं पहले हम डाइग्राम को अच्छे से समय लेते हैं अब जैसे कि उसने कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ओनली एक्सड्रैक्शन में होगा सो so, जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन है वो अब इस तरह उनकी अब डायरेक्शन अब सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही आएंगी ठीक है जी सो एंड वाई डायरेक्शन और जी डायरेक्शन में मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट नहीं है मींस कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है सो so, अब जो मेरे क्यूब में से इलेक्ट्रिक फल्स पास करेगी वो अब इन दो शेडेड रीजन के थ्रू ही पास करेगी सो so, हम फर्स्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन को देख लेते हैं सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन पासिंग थ्रू आ सरफेस जो हमारी गिवन सरफेस है उसमें से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पास होंगी सो मैथमेटिकली इलेक्ट्रिकल फ्लक्स हम फाइव से नोट कर, कर देते हैं इज इक्वल टू वैक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैक्टर डॉट प्रोडक्ट विद एरिया वैक्टर जिसे हम डेल्टा एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं सो so, अब डेल्टा एस क्या है हमारे पास एरिया वेक्टर सो so, डेल्टा एस हमें मालूम है डेल्टा एस वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एस मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया इन यूनिट वैक्टर अलॉन्ग वो किस डायरेक्शन में ऑरियंटेटेड है सो दिस इज माई डेल्टा एस की वैल्यू सो एन कैप तो यहां पे भी मेरे पास क्या एन कैप एल एन कैप एल रिप्रेजेंट यूनिट वैक्टर ऑन लेफ्ट फेस देखिए जो मेरा यूनिट वैक्टर होगा वह हमेशा ही आउटवर्ड ऑफ सरफेस होगा क्लियर सो so, यहां पर हमें क्या दिए हुए एन कैप आर मतलब यूनिट वैक्टर अलॉन्ग राइट फेस क्लियर सो ये मेरी सरफेस थी अब इस सर्फेस से ये मेरा आउटवर्ड इस तरफ निकलेगा अब ये सर्फेस है तो ये इस तरफ तो जा नहीं सकता क्यूब के अंदर तो ये हमेशा ही आउटवर्ड रहेगा डेट्स वाई इनकी डायरेक्शन यहां पे हमें पहले से ही गिवन है अब जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाइव दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी क्यूब क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया फैक्टर के बीच में हमें क्या मिलता है डॉट प्रोडक्ट तो ऐसे हम सदर सिंप्लीफाई कर लेते हैं सो ई इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एरिया का मैग्नीट्यूड डेल्टा जिसे रिप्रेजेंट कर देते हैं इनटू टू कॉस ठीठा एंगल बिटवीन ई एंड डेल्टा एस अब हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए क्या चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया एंड एंगल बिटवीन दम मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में हमें एंगल भी चाहिए सो so, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हम फाइंड कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द लेफ्ट फेस ऑफ क्यूब सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द लेफ्ट फेस ठीक है ऑफ़ अ क्यूब इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन ई एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स रेस टू पावर हाफ अब यहां पे हम किस फेस की बात कर रहे हैं लेफ्ट फेस की सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट लेफ्ट इज इक्वल टू अल्फा अब लेट दिस पॉइंट इज माई पॉइंट ऑफ रेफरेंस इसे हम ओ से डोनेट कर देते हैं जो अब हमारा लेफ्ट फेस है वो ओरिजिन से या आप कह सकते हैं रेफरेंस पॉइंट से मेरा ए डिस्टेंस दूर है एज गिवन इन अ क्वेश्चन ठीक है सो एक्स की वैल्यू ए आ जाएगी सो ए रेस टू पावर हाफ तो ये मेरा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन लेफ्ट फेस अब सिमिलरली हम फाइंड कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है यहां पे ऑन राइट फेस ठीक है जी सो so, ई एक्स हमें रिलेशन की अल्फ़ा इन टू एक्स रेस टू पावर हाफ सो सेम अब राइट right फेस की बात करें ई आर इज इक्वल टू अल्फ़ा अब x की वैल्यू कितनी होगी फ्रॉम ओरिजिन और ये आप कह सकते हैं रेफरेंस पॉइंट से सो so ये डिस्टेंस a था तो क्यूब है ये भी a है सो राइट फेस का डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन हमारे पास कितना आ जाएगा 2a मतलब x की वैल्यू आ गई टू ए रेस टू पावर होल हाफ सो so, अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड्स आ गए हैं लेफ्ट फेस ऑन राइट फेस अब हम फाइंड कर लेते हैं फ्लक्स ऑन पहले हम लेफ्ट फेस फाइंड कर लेते हैं लेफ्ट फेस इसे हम डिनोट कर देते हैं फाइव एल से सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वैल्यू ऑफ ई ई डेल्टा एस मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया इन टू कॉस ठीठा सो यहाँ पे हम ई e एल लिख लेते हैं क्योंकि हम लेफ्ट फेस की बात कर रहे हैं सो so, ई एल हमने फाइंड किया था अभी अल्फा एर एज टू पावर हाफ डेल्टा एस मतलब सरफेस एरिया मतलब आप कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस सो आप ध्यान से देखिए अब इसकी मेरे पास हाइट भी ए थी और ब्रेथ भी ए थी सो so इसका एरिया क्या आ जाएगा ए स्केयर सो डेल्टा एस की वैल्यू आ गई ए स्केयर अब कॉस ठीठा अब हमें ठीठा फाइंड करना है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस वैक्टर सो so, यहाँ से अकॉर्डिंग टू फार्मूला आप देख सकते हैं कि जो मेरा एन है और यूनिट वैक्टर ऑफ अ सरफेस ठीक है वो इस तरफ आ रहा है मतलब टू वर्ड आप कह सकते हैं लेफ्ट जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है मेरी टू वर्ड राइट सो अब यहाँ पे अब कंसेप्ट ऑफ फ्री वैक्टर्स यूज़ करके मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रही है तो जो सरफेस यूनिट वैक्टर है उसकी डायरेक्शन ये आ रही है ओनर लेफ्ट फेस तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 180 डिग्री सो so यहाँ पे मेरे पास कॉस कितना आ जाएगा 180 डिग्री सो कॉस 180 डिग्री कितना होता है माइनस वन सो अब यहाँ पे देखिए ए रेस टू पावर हाफ ए रेस टू पावर टू अब यहाँ पे मेरे बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी अगर हम पावर्स ऐड करें लाइक वन बाय टू प्लस टू एल्फियम लें तो ये मेरे पास आ जाएगा फाइव बाय टू सो अल्फ़ा ज टू ए रेस टू पावर फाइव बाई टू इन टू कॉस वन एटी की वैल्यू माइनस वन सो हम कह सकते हैं कि हमारा फाइव ऑन अ लेफ्ट फेस कम्स आउट टू बी नेगेटिव अल्फा ए रेस टू पावर फाइव बाई टू सो दिस इज माई इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन लेफ्ट फेस अब इसी तरह हम राइट right फेस पे फाइंड कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को फ्लक्स एट राइट फेस की बात हो रही है सो so, सेम फॉर्मूला फाइ का हमें मालूम है फाइ आर रिप्रजेंट फ्लक्स एट राइट फेस इज इक्वल टू ई आर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन राइट फेस इंटू डेल्टा एस मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वैक्टर जो आप सिंपली कह सकते हैं एरिया इंटू कॉस ठीठा क्लियर अब फाई आर इज इक्वल टू ई आर की वैल्यू हमने भी सॉल्व की थी हमारे पास क्या रही? S, है अल्फा टू ए रेस टू पावर हाफ इं टू डेल्टा एस हमें मालूम ही है कि मेरे पास राइट right फेस पे भी ये क्यूब है तो लेंथ इंटू ब्रैड एरिया दे देगा सो so ये मेरे पास आ जाएगा ए स्केयर इंटू कॉस अब यहाँ पे हम थीटा फाइंड कर लेते हैं कि मेरा थीटा कितना आएगा सो so आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मेरी इस तरफ है और जो मेरा यूनिट वैक्टर है ऑफ आ सरफेस वो भी इस तरफ है तो ये दोनों पैरलर हो गए सो बाई कन्सेप्ट ऑफ फ्री वैक्टर हम मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो मेरा यूनिट वेक्टर ऑन राइट फेस है और जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं सो so, इनके बीच में एंगल कितना हो गया ठीठा इज इक्वल टू जीरो डिग्री सो मेरे पास क्या आ गया कॉस ज़ीरो डिग्री कॉस जीरो डिग्री कितना होता है वन सो so, मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन राइट फेस इज इक्वल टू कम्स आउट टू बी अल्फ़ा टू ए की पावर कितनी थी हाफ बाई टू अगर मैं यहाँ पे दोनों को पावर दे दूँ टू को भी हाफ और ए को भी हाफ अब यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्केयर था तो कॉफ थीटा की वैल्यू थी मेरे पास वन सो इफ इस फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास फाइव आर इज इक्वल टू अल्फा हंड्रोड टू जिसकी पावर हाफ होती है पावर एड्स जो जिससे पहले किया था हमने ये आ जाएगी मेरे पास फाइव बाई टू लेट इट बी इक्वेशन नंबर टू तो ये मेरी हमारी इक्वेशन आ गई थी वन ऑन अ लेफ्ट फेस ऑफ फ्लक्स राइट फेस ऑफ फ्लक्स टू अब हमें फाइंड किया करना है नेट फ्लक्स फाइंड करना है सो नेट फ्लक्स लेट हम फाइव से रिप्रेजेंट कर देते हैं इज इक्वल टू फ्लक्स ऑन अ राइट फेस प्लस फ्लक्स ऑन अ लेफ्ट फेस सो हम यहाँ पे वैल्यू सब्सिट्यूट कर देते हैं इसे फाइंड करने के लिए सो राइट फेस पे हमारे पास कितनी थी अल्फा अंडर रूट टू ए रेस टू पावर फाइव बाई टू अब यहाँ पे हमारी पास लेफ्ट फेस पे कितनी थी माइनस अल्फ़ा ए रेस टू पावर फाइव बाई टू सो माइनस प्लस माइनस ही आ जाएगा सो अल्फ़ा ए रेस टू पावर फाइव बाई टू अब फॉर सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं सो so, फाइव की वैल्यू इक्वल टू अब यहाँ से मैं अल्फा ए रेस टू पावर फाइव बाई टू अगर कॉमन निकाल निकालू अल्फ़ा ए रेस टू पावर फाइव टू हमने कॉमन निकाला तो मेरे पास क्या बच गया अंडर रूट टू माइनस वन सो अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्सिट्यूट कर देते हैं इसे फर्दर सॉल्व करने के लिए सो so, अब फाइव इज अल्फा की वैल्यू हमें दी हुई थी 800 हंड्रेड so, सो ये हमारी आ गई 800 हंड्रेड इन ए की वैल्यू हमें मालूम है क्वेश्चन में गिवन है कि 0.1 मीटर 0.1 पॉइंट वन रेज टू पावर अब अब मेरे पास आ गया 5 बाई टू और अंड्रो टू की वैल्यू हमें मालूम है अंड्रो टू की वैल्यू होती है 1.414 ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी लाइक like, आपको अंडर रूट टू और अंडर रूट थ्री की वैल्यू हमेशा याद होनी चाहिए अंडर टू की वैल्यू वन पॉइंट फोर वन फोर माइनस वन अब इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करके देखते हैं कैसे करना है सो फाइव इज इक्वल टू एट हंड्रेड इन टू अब देखिए पॉइंट वन को मैं इस तरह लिख सकता हूं वन बाय टेन है ना आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ब्रैकेट के अंदर में टेन से मल्टीप्लाई कर दिया टेन से डिवाइड सो टेन से मल्टीप्लाई किया ये वन बन गया डिवाइड टू तो यही रहा रेस टू पावर फाइव बाई टू अब यहां पे मेरे पास कितना बचा सिर्फ जीरो पॉइंट फोर वन फोर अब ये टर्म इजी है ये टर्म भी इजी है अब इसे कैसे सॉल्व करना हम इसको ध्यान से देखते हैं ठीक है इस ये टर्म कैसे सॉल्व होगी यहां पे थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी बट मैं आपको स्टेप बाई स्टेप करके दिखाता हूं कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर है ना सो फाइव इज इक्वल टू एट हंड्रेड अब इन टू अब मेरे पास इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ वन रेस टू वन ओवर टेन रेस टू पावर फाइव अगेन होल पावर वन बाई टू हमें मालूम है पावर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं और अगर आप फाइव इंटू वन बाई टू करेंगे तो आपके पास अगेन फाइव बाई टू आ जाएगा इंटू ज़ीरो पॉइंट फोर वन फोर ठीक है अब जो वन रेस वन ओवर टेन रेस टू पावर फाइव है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ लाइक वन टेन रेस टू पावर फोर इन टेन क्योंकि वन रेस टू पावर फाइव की तो वन ही आ जाएगा जो फाइव पावर है वो टेन को भी देनी पड़ेगी सो टेन रेस टू पावर फोर इंटू टेन अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये दोबारा फाइव आ जाएगा रेस टू पावर हाफ इं टू जीरो पॉइंट फोर वन फोर तो ये पहले टर्म है सो इक्वल टू एट हंड्रेड अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं कि वन टेन रेस टू पावर टू का स्केयर इं टू टेन रेस टू पावर हाफ इंटू जीरो पॉइंट फोर वन फोर अब देखिए क्योंकि इस टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा तो हाफ से मेरा टेन रेस्ट टू पावर टू बाहर आ जाएगा सो एट हंड्रेड इन टू वन बाय टेन रेस्ट टू पावर टू बाहर आ गया सो so, मेरे पास क्या बचा वन बाय टेन रेस्ट टू पावर वन बाय टू इंटू जीरो पॉइंट फोर वन फोर अब इसे सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ एट हंड्रेड इन टू हंड्रेड सो अब हमें सॉल्व करना है वन बाय टेन टू पावर वन बाय टू सो मैं इसे दोनों को पावर देता हूँ अगर वन को भी पावर दूँ वन बाई टू तो इसका रूट आ जाएगा अपॉन 10 टेन का रूट आ जाएगा क्योंकि हम जब भी पावर है तो दोनों को ही मिलती है क्लियर इन टू जीरो पॉइंट फोर वन फोर सो अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं सो दो जीरो से ये दो जीरो एक कैंसल तो so, अब मेरे पास क्या बचा सिर्फ यहाँ पे एट इन टू वन का तो वन ही होता है अब अंडर रूट टेन को हमने सॉल्व करना है हमें मालूम है थ्री थ्री जो नाइन होता है सो so, यहाँ पे कितना था टेन सो थ्री से थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा सो so, यहाँ पे हम हिट एंड ट्रायल मेथड लगा के इसे सॉल्व करते हैं तो मेरे पास आ रहा है थ्री पॉइंट वन सिक्स टू का स्केयर हमें अंडर रूट ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली टेन के पास आ जाएगा ठीक है यहाँ परफेक्ट स्केयर नहीं होता इसीलिए अप्रॉक्स आएगा सो so, स्केयर से ये अंडर रूट कैंसिल हो गया हमारा इंटू जीरो पॉइंट फोर वन फोर अब मेरे पास क्या बच गया एट इन वन डिवाइडेड बाई थ्री पॉइंट वन सिक्स टू इंटू जीरो पॉइंट फोर वन फोर तो अगर वन को हम डिवाइड करें थ्री पॉइंट टू से तो हमारे पास कितना आ रहा है कितना एट इंटू जीरो थ्री वन सिक्स टू इंटू जीरो पॉइंट फोर वन फोर तो अब इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं मेरे पास क्या रहा है वन पॉइंट ज़ीरो फोर सेवन वन पॉइंट ज़ीरो फोर सेवन अब ये मेरे पास क्या आ रहा था फाइव इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू तो हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट्स क्या होती हैं हमारे पास न्यूटन मीटर स्केयर कूलम इनवर्स तो मेरे पास फाइव की वैल्यू आ गई अब बुक में हमें दी हुई है अप्रॉक्सीमेट करके कि वन पॉइंट ज़ीरो फाइव न्यूटन मीटर स्केयर कूलम इनवर्स ये वैल्यू हमें बुक में गिवन है बट जो हम कैलकुलेट करके आ रहे हैं वैल्यू हमारे पास यही आ रही है सो so, अब फर्दर हम इसका बी पार्ट देखते हैं हमें बी पार्ट में क्या फाइंड करने को कहा है द चार्ज विद इन द क्यूब सो अब हम बी पार्ट देखते हैं सॉल्व करना सो so, बी पार्ट हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गॉस गॉसला से ठीक है मैथमेटिकली गॉस गोसला किसके इक्वल है फाइव इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सेलाट एप्सैलानोट को हम क्या कहते हैं एप्सोल्यूट परमिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम और एप्सलानोट की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है एट पॉइंट एट फाइव फोर इन टू टेन रेज टू पावर माइनस ट्वेल्व ठीक है जी कूलम स्केयर न्यूटन इनवर्स मीटर स्केयर इनवर्स ठीक है सो ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी हमें फाइंड so हम क्या करना था क्यू सो हम कह सकते हैं क्यू इज इक्वल टू फाइव इंटू एब्सैलानोट सो so, अब हमें क्यों फाइंड करना है फाइव की वैल्यू जो हमने निकाल लिया अभी वन पॉइंट जीरो फोर सेवन न्यूटन मीटर स्केयर कूलम इनवर्स इंटू एफ की वैल्यू एट पॉइंट एट फाइव फोर इंटू टेनरेज टू पावर माइनस ट्वेल्व कोलम स्केयर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्केयर सो यहाँ से मीटर इनवर्स स्केयर मीटर इनवर्स स्केयर गया सो so, न्यूटन से न्यूटन गया सो so, यहाँ पे माइनस वन है यहाँ पे स्केयर है सो so, ये गया तो अब हमारे पास क्या बचा सिर्फ कूलम जो चार्ज की यूनिट है सो so, अब इसके हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं तो हमारे पास आ रहा है नाइन पॉइंट टू सेवन इंटू टेन रेज टू पावर माइनस ट्वेल्व कूलम सो दिस इज आंसर ऑफ माई बी पार्ट ठीक है अगर हम अकॉर्डिंग टू एन सी आर टी इस वैल्यू को यूज़ करें 1.05 को यूज़ करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा क्यू का वो आ जाएगा 9 पॉइंट टू नाइन इंटू टन रेज टू पावर माइनस ट्वेल्व ठीक है जी सो so, यहाँ पे अगर हमें क्यू की वैल्यू अकॉर्डिंग टू तो एनसीईआरटी बुक चाहिए तो हमें जो वैल्यू कैलकुलेट की हुई है फाइव की वही यूज़ करेंगे अगर वन पॉइंट फाइव यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा आ जाएगा सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो